हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए रेस्टोरेंट स्टाइल अचारी चिकन टिक्का लेके आई हूँ, जो बहुत ही अलग तरीके से बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए बिना देर के हुए इसको स्टार्ट करते हैं, और अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है, आप बोनलेस चिकन ही लीजिएगा। अब उसके बाद मैं यहाँ पे ये 1 टीस्पून चिली पाउडर डाल रही हूँ, आप इसको ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये पिंच अमाउंट फूड कलर है, ये ऑप्शनल है। और उसके बाद ये 1 टीस्पून लेमन जूस है, और ये 1/2 टीस्पून सॉल्ट है। सॉल्ट अपने स्वाद अनुसार आप डाल दीजिए, सबको मिक्स कर दीजिए। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए साइड रख देती हूँ और बाकी प्रोसेस स्टार्ट कर। पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम पे, पैन लगभग गर्म हो गया है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे ये 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून कलौंजी, 1/2 टीस्पून मेथी, 1/2 टीस्पून ब्लैक मस्टर्ड सबको डाल रही हूँ, और सबको हमें ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करना है इसको मीडियम फ्लेम पे। अब देखिए सब कुछ अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया है, अब इसको हम किसी में प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने का वेट करते हैं। जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक मैं यहाँ पैन पे बेसन को रोस्ट कर लेती हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे 1 टेबलस्पून बटर डाल रही हूँ, इसको थोड़ा गर्म होने दीजिए। अच्छे से गर्म हो गया है, उसके बाद ये 1 टेबलस्पून बेसन डाल रही हूँ और सबको अच्छे से मिला दीजिए। अब देखिए सब कुछ अच्छे से बेसन में मिक्स हो गया है और अच्छे से इसमें से खुशबू भी आ रही है। अब ये रेडी है, अब इसको ठंडा होने का वेट कीजिए। अब देखिए ये ड्राई रोस्ट अच्छे से ठंडा हो गया है, अब इसको मैं ये मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, बंद करके ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड हो गया है, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। अब देखिए ऐसे ही हमको दरदरा पीसना है। अब चलिए हम आगे का प्रोसेस करते हैं। अब देखिए जो मैंने मैरिनेट करके रखा था, अब उसके बाद यहाँ पे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दीजिए, उसके बाद 1 टेबलस्पून थिक कट, और ये जो मैंने मसाला तैयार किया था वो 1 टीस्पून लिया है, और उसके बाद 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, और ये जो बेसन फ्राई किया था ये अच्छे से ठंडा हो गया है, इसको डाल दीजिए, इसे मिला दीजिए। अब देखिए सब कुछ अच्छे से मिल गया है, अब इसको हमें मैरिनेट करना है 1 से 2 घंटा के लिए। मैं इसको डीप फ्रीज़र में मैरिनेट कर रही हूँ 1 घंटा के लिए। अब तो आप डीप फ्रीज़र में जल्दी मैरिनेट कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल में भी आप कर सकते हैं। अब जो मैंने मैरिनेट किया था वो देखिए अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब यहाँ कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने, अब कढ़ाई लगभग गर्म हो गया है। अब उसके बाद मैं ये 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, हमें इसको डीप फ्राई नहीं करना है। अब इसको डाल दीजिए और गर्म करने के लिए छोड़ दीजिए, हो गया है। अब इसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम में इसको फ्राई करूँगी, और सबको आप एक एक करके इसमें डाल दीजिए, पलट दीजिए एक एक करके, बाकी को ही पलट दीजिए। अब अपोजिट साइड भी हमें अच्छे से पकाना है और चारों तरफ पकाना है। अब देखिए ये चारों तरफ अच्छे से पक गया है, अब इसको ज़्यादा नहीं पकाना है नहीं तो ये जल जाएगा। अब इसको हम किसी प्लेट में निकाल लेते हैं, और जो बाकी है उसको भी मैंने डाल दिया है, और अच्छे से पकने दीजिए। अब इसको आप अच्छे से पलट दीजिए सभी को। अब देखिए ये भी चारों तरफ से पक गया है, इसको भी ज़्यादा नहीं पकाना है, अब इसको आप किसी प्लेट में निकाल लीजिए। स्टाइल अचारी चिकन टिक्का बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अब सर्व करने के पहले मैं थोड़ा चाट मसाला से इस पर स्प्रिंकल कर लेती हूँ, और उसके बाद जो थोड़ा प्याज और मिर्च काट के रखा था इसको थोड़ा गार्निशिंग कर लीजिए। पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं या कोई गेस्ट आए हैं या कोई फेस्टिव है, आप इसको आराम से बना सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही लजीज होता है खाने में। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये कैसा लगे। अगर अच्छा लगे मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही न्यू रेसिपी पे, अभी के लिए थैंक यू सो मच।